नमस्कार दोस्त, मैं बिमल कुमार बक्सर के अहरौली गांव में आया आज, जो कि जिसका इतिहास में काफ़ी महत्व रहा है और कई सारे यहाँ पे कथाएँ भी हैं। लोग कई तरीके से बात करते हैं अहरौली को लेकर के, लेकिन आज यहीं से पले बढ़े यहीं के रहने वाले देवेंद्र चौबे, जो JNU में प्रोफेसर हैं, वो ऐसे प्रोफेसर तो हिंदी के हैं लेकिन उनका काम साहित्य और इतिहास पर लगातार होता रहा है। इन दिनों देवेंद्र चौबे लगातार कई वर्षों से जो है ग्रामीण इतिहास पर काम कर रहे हैं, और बक्सर के इर्द गिर्द न कहें बल्कि पूरे शाहबाद में जो गांवों के इतिहास है, जो गांव का इतिहास है, वहां जाकर के वो लगातार काम कर रहे हैं और एक नई तरीके से पूरे इतिहास को देख रहे हैं। आइए सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे देवेंद्र चौबे जी से, जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जनमित्र पे। हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये इतिहास है, एक इतिहास, वो इतिहास है जो सत्ता की इतिहास है, जो युद्धों का इतिहास है, जो राजा महाराजाओं का इतिहास है, लेकिन आप लगातार काम करते रहे हैं, आप हर साल यहाँ पे सेमिनार गोष्ठी भी करते हैं और एक नई तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार देखते हैं कि आप जो इतिहास ढूंढते हैं वो नीचे से निकालना चाहते हैं, कुछ क्या निकालने की मंशा है? दरअसल विमल जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है। आपके ध्यान में होगा कि हम लोगों ने कथकौली में एक बार बातचीत किया था, तब हमने कहा था कि जो बक्सर है इतिहास की धरती है। जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आती है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक नहीं होता है। दिक्कत है कि आज के ज़माने में हम जिस इतिहास की बात करते हैं उसे सिर्फ राजनीतिक इतिहास मान लिया जाता है, राजा का इतिहास या नेता का इतिहास, सत्ता का इतिहास। लेकिन इस इतिहास के समानांतर बहुत सारे इतिहास होते हैं, जैसे समाज का इतिहास है, धर्म का इतिहास है, आम आदमी का इतिहास है, यहाँ तक कि तरह तरह की जातियों का इतिहास है। मतलब इतिहास के अनंत धाराएं हैं। दिक्कत ये होती है कि जितने अध्येता होते हैं, समाज विज्ञान से जुड़े जो भी विचारक होते हैं, वे बार बार इसलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री के पास जाते हैं कि वहाँ से सत्ता से जब संबंध होता है तो एक आदान प्रदान का दौर शुरू होता है। वह उनकी बातों को मानता है, इनकी बातों को मानता है, और इस तरह से इतिहास एक नए तरीके से लिखा जाने लगता है। मुझे बार बार लगता है कि चाहे आप किसी भी देश का इतिहास लिखे, समाज का इतिहास लिखे, आपको इतिहास की जो मूल, मतलब जहाँ से इतिहास बन रहा है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि मतलब अभी तक जो इतिहास लिखी गई है, जो मेन स्ट्रीम का हिस्ट्री है, उसमें कहीं ना कहीं इन तबकों को छोड़ा गया है जो आप बता रहे हैं। मतलब है गाँव कह कि हमेशा हम इतिहास लेखन में लीडर पर ध्यान देते हैं, नेता पर ध्यान देते हैं, जो नायक होता है उसी पर ध्यान देते हैं। मेरा कहना है कि नायक के साथ अनेक ऐसे लोग होते हैं जो उस इतिहास को बनाने में मदद करते हैं। आप गौर करेंगे कि किसी भी फौज में सिर्फ सेनापति नहीं लड़ता है, उसके साथ पूरी फौज लड़ती है, और फौज में हजारों सिपाही होते हैं। हजारों सिपाही उतने ही ताकतवर होते हैं, उनकी भी ताकत उतनी ही होती है। तो मतलब हजार लोग मिल करके एक ताकत बनते हैं, सेनापति की ताकत बनते हैं। तो हमारी मंशा है कि जो छोटा सा जो ये क्षेत्र है, जो कहीं कहीं से आ रहे हैं, उनके इतिहास को समझने की, उनके इतिहास को जानने की ज़रूरत है। और तब हमें लगा कि इसको कैसे जाना जाए। आप जानते हैं कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है, आज भी भारत गाँव का देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का समाज, यहाँ की सामाजिक गतिशीलता, आप गौर करेंगे कि हमारे देश में जो भी नई चीज़ बनती है उसको बनाने में गांव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर गांव नहीं होंगे तो हमारे देश का इतिहास कुछ और होगा। जैसे जब अमेरिकन इतिहास की बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है, तो उसका इतिहास बिल्कुल अलग दिखा, क्योंकि वहाँ गाँव है ही नहीं वहाँ पर। और इसीलिए वहाँ पर जो इतिहास कैसे बनता है, इसको जानना समझना बहुत मुश्किल होता है। इसी जो हम लोग ग्रामीण इतिहास पर जो काम करें, उस किताब में करीब 4 खंड है। एक खंड तो आपका इतिहास की धारणा पर है, दूसरे खंड में बक्सर का इतिहास है, उसके करीब 15-16 लेख है, तीसरे खंड में भारत के इतिहास पर है। काम कर रहे हैं कौन सी किताब? कौन सी किताब? ग्रामीण इतिहास है, ग्रामीण इतिहास पे जो काम कर रहे हैं। तो जो दूसरा खंड है उसमें बक्सर के इतिहास पर है, उसमें करीब 12-14 लेख है। तीसरा खंड आपका भारत के गाँव के इतिहास पर, जिसमें 8 लेख हैं, 2 लेख दक्षिण भारत के गाँव पर है, 2 लेख पश्चिम भारत के गाँव पर है, 2 लेख पूर्वी भारत का, 2 लेख उत्तर भारत, जिसमें मेरठ के उस गांव का भी हमने इतिहास लिखा, जहां के सिपाही 1857 में लड़े थे। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम में लड़े थे, कभी उन सिपाही का भी चर्चा ही कहीं नहीं है। ऐसे हमने जब दक्षिण भारत के इतिहास पर लिखा था, हमने शंकराचार्य के उस गांव का भी इतिहास लिखा, कलाड़ी का लिखा, जो एक ज़माने में शंकराचार्य का गांव था, फिर धीरे धीरे कैसे वामपंथी आंदोलन का केंद्र बना और फिर वहाँ बिल्कुल दूसरी चीज़ है वो, एक तरह से के लिए। ऐसे ही इसमें जो चौथा खंड है इस किताब में, कहिए कि विश्व के गाँव के इतिहास पर है। 3 गांव के इतिहास हमारे पास, चीन के गांव के एक इतिहास की पर लेख आया हुआ, वांगली का आया हुआ है, एक लेख हमारे पास जापान से आया हुआ हिरोको नाका का है, और एक मॉरिशस के गांव पर है देवीनाथ शेवर का, जिन्होंने उन गांव को लेकर लिखा है, जैसे जो जापानीज प्रोफेसरों ने लिखा है कैसे एक छोटे से गांव का सिपाही
लड़ते लड़ते एक दिन जापान का सेनापति बनता है सम्राट का, तब उसका नाम होता है, उसके गांव का बहुत बड़ा नाम होता है। वैसे ही वांगली ने लिखा है कैसे उसके गांव में कम्युनिस्ट आंदोलन का मूवमेंट खड़ा हुआ और गांव के लोग कैसे लीड करने लगे, और उसमें उन्होंने सबसे बढ़िया बात बताई कि खेती बाड़ी कैसे होता है, जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है उसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की। और इसी तरीके से देवीना ने लिखा है कैसे 1813 में वहाँ पर कैसे फ्रांसीसियों का वहाँ के मूल निवासी के साथ संघर्ष हुआ, गांव केंद्र था। और एक तरह से अब इस पर ध्यान देने के पीछे जो हमारी मंशा थी कि जब आप गांव के इतिहास पर काम करेंगे तो फिर गांव के इतिहास के जो नायक होंगे आपके इतिहास के एक तरह से मुख्य नायक बन कर के आएंगे। और हमारी मंशा यही थी कि मतलब ये हमेशा जो छोटे छोटे जिनको हम नायक कहते हैं, जो सिपाही कहते हैं, कभी भी मुख्य धारा के इतिहास में नहीं आ पाते नहीं रहे। अगर हम लोग बक्सर के इतिहास को देखें, जो हम लोग इतिहास पढ़े रहे हैं अभी तक, तो उसमें हम लोग देखते हैं कहीं दो तीन चीज़ें कोट है बस बक्सर के बारे में। एक बक्सर का जो लड़ाई है, वो चौसा का लड़ाई है। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई। आधुनिक भारत की जितनी किताबें, चाहे सुमित सरकार की किताब हो, या चाहे मान लीजिए कि शाहिद अमीन ने लिखा हो, गैदन पांडे ने लिखा हो, या जितने हिस्टोरियन हैं, बक्सर के बारे में 3 लाइन मिलता है कि 1764 में युद्ध हुआ और इसके बाद बंगाल, उड़ीसा और एक तरह से मतलब ये बिहार, ये सब की दीवानी जो थी एक तरह से कंपनी के पास चली गई। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, एक पैराग्राफ तक नहीं है। इसके अलावा आपने क्या ढूंढा अभी आप लोग? और कल्पना करिए कि तब हमें लगा कि मतलब आखिर इसके बारे में, इस पर तो मैं बहुत दिन से मेरे मन में था कि कुछ बक्सर के इतिहास पर काम किया जाए। और तब हमें पता चला कि उस ज़माने में मतलब हेक्टर मुन्नो थे, उसके बाद जो भी आए वो एक रिपोर्ट भेजते थे, मतलब सालाना रिपोर्ट भेजते थे, अपनी कंपनी को भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। और तब हमने क्या किया कि उस रिपोर्ट को हमने जानने की कोशिश की, तब हमें पता चला रिपोर्ट की सारी कॉपियां इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में पड़ी हुई है। फिर वहां से हमने मेल करके बहुत सारे डाटा, बट उन्होंने कहा कि सारा हम मेल से नहीं भेज सकते, आपको आकर काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें मिली वहां से, और उसमें डाटा था, डिटेल्स डाटा था कि कथकौली गाँव है, अहिरौली गाँव है, या आसपास के गाँव में का सोशल इक्वेशंस क्या है, यहाँ में मतलब किस तरह के लोग रहते हैं, और उसमें सारा उनके पास वो जातिगत ब्यौरा है, किस जाति के कितने लोग हैं, कितनी आबादी है। यहाँ तक उसमें जानकारी थी कि यहाँ के लोग कौन सी खेतीबाड़ी करते हैं, धान की उपज करते हैं, गेहूं की उपज करते हैं, खेती हलबैल से करते हैं या कैसे करते हैं। आप कह सकते हैं कि डिटेल्स जो होता है गांव की रिपोर्ट में, इस किताब में दिखी हुई है, मतलब सारी रिपोर्ट में पढ़ा हुआ है कि उसमें बहुत डिटेल्स में गांव के बारे में जानकारी दी हुई है कि किस गांव की कितनी आबादी है, उस आबादी में सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, मतलब किस जात के कितने लोग हैं, उनका प्रोफेशंस क्या है, उनका रोज़गार क्या है, क्या क्या काम करते हैं। लेकिन मुख्यतः इस बात की चर्चा है कि सारे के सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बात की चर्चा है कि खेती बाड़ी में किस बात की खेती करते हैं। तो खासकर बक्सर के इलाके का जो शाहबाद की जो रिपोर्ट थी उस ज़माने में लिखा हुआ, यहाँ के लोग मुख्यतः धान की उपज करते हैं, गेहूं की उपज करते हैं, अरहर की करते हैं, और एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही चलती है। तो आप कह सकते हैं कि इस बहाने वे भारत के या बक्सर क्षेत्र के गांवों के आर्थिक इतिहास को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में यहाँ के धर्म का, स्थानों की चर्चा नहीं है, इस सब की चर्चा नहीं है। तो इसके पीछे एक और दृष्टि काम कर रही थी कि खास तौर से 1858 में जब 57 की क्रांति हुई तो एक कमेटी बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने, उस कमेटी में ने ये रिपोर्ट सबमिट किया था, उसके वेडरवन कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। तो वेडरवन ने यह सबमिट किया था कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत में लंबे समय तक रूल करना चाहती है, शासन करना चाहती है, तो फिर भारत के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। और इसी के चलते बाद में जो भी रिपोर्ट बनती थी उसमें वो धर्म वाले हिस्से को छोड़ देते थे, उसकी चर्चा नहीं करते थे, उसको कभी भी वो इतिहास का या अपने रिपोर्ट का, अपने एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनाते थे और लगातार छोड़ते रहे। जो असल में बार बार मेरे ध्यान में आ रहा था कि आखिर उन्होंने छोड़ा, लेकिन उसके पीछे और क्या रीजन्स हो सकता है। कई बार इस पर दुविधा इसलिए होती है कि हम जो भी कुछ प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगते हैं उसको आमतौर से लोग एक खास विचारधारा से जोड़ देते हैं और फिर उसी विचारधारा का मान करके उसकी व्याख्या करने लगते हैं कि हमारे देश में पहले से सब कुछ था। लेकिन अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा अलग करें, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ है, एक संप्रदाय की विचारधारा अलग चीज़ है, लेकिन मूल बात है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो वहाँ के लोग होते हैं वे आखिर क्या करते हैं, अपने जीने के लिए किस तरह से अपने को मतलब आगे समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब मुझे लगा कि
हमें उस पक्ष पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तब अचानक हमें ध्यान में लगा कि इसी क्रम में कि अचानक मैंने देखा कि भारत के गाँव में या बहुत सारे इलाके में कुछ खास कल्चर सेंटर बने हुए, जो सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं। उन सांस्कृतिक केंद्रों में आप कह सकते हैं कि बाद में हमने उनको धर्म का केंद्र मान लिया, वहाँ पर हम एक तरह से ऋषि मुनि या ऐसी चर्चा करने लगे। मेरे ध्यान में बार बार आ रहा था कि ऐसे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं मूलतः एक तरह से ज्ञान के केंद्र हैं, जहाँ पर एक ज़माने में बहुत ही निष्पक्ष होकर के उस इलाके के लोगों ने अपने गांव के बारे में, अपने समाज के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में विचार करते थे। जैसे उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि पहला जो डिबेट होता है ऋषि मुनि में, जो बहस होती है, बातचीत होती है, या जो भारत की जो दार्शनिक परंपराएं हैं, जितने दर्शन हैं, चाहे सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो, या लोकायत दर्शन हो, या बौद्ध दर्शन हो, इसमें जो पहला जो सवाल सबके मन में आता है कि आखिर यह दुनिया है क्या, यह दुनिया कैसे बनी है, किसने इस पूरे चीज़ को बनाया, और उसमें जो मूल सवाल होता है कि हमारे हम जो हैं इस दुनिया में, हमारी भूमिका क्या है, हम क्या करने इस दुनिया में आए हैं, खेतीबाड़ी करने आए हैं कि कुछ और काम करने आए हैं। अब तब गौर करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छी बात निकल कर आई कि कुछ चीज़ें सबके हिसाब बन गई कि भाई हाँ, कुछ लोग खेतीबाड़ी करेंगे, कुछ लोग लिखने पढ़ने का काम करेंगे, कुछ लोग संग्रह करने का काम करेंगे, कुछ लोग सेवा करने का काम करेंगे, मतलब खेतों की सेवा करेंगे, फसल की सेवा करेंगे। उसी प्रोसेस में हमें बार बार लगा कि बक्सर में भी कुछ कल्चर सेंटर हैं, और तब हमें लगा कि बक्सर में जो कल्चर सेंटर थे अब वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि बक्सर ठीक ठाक दिखाई पड़ता, बक्सर में मंदिर भी है, त्रिदंडी स्वामी का समाधि स्थल भी वहाँ पर है, बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, सारे सोमेश्वरनाथ, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी जो दूसरी चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी इन सारे प्रोसेस में, सारी प्रक्रियाओं में, कि जब ही आप बक्सर से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, बक्सर के बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं, जो या तो जानकारी के केंद्र में या नहीं भी केंद्र में है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ जगह चीज़ें बची रह गई, कुछ चीज़ें जगह चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होती गई।